खानपुर प्रखंड अंतर्गत दिमनपुर दक्षिणी पंचायत के राम जानकी मंदिर में अन्नकूट महान उत्सव मनाया गया। वहीं जानकारी देते हुए गोपाल दास महंत ने बताया कि श्री राम जी 14 वर्ष वनवास काटने के बाद अयोध्या पहुंचे, तब अयोध्या नगरवासियों ने खुशी में दीपक जलाए थे, तब से दीपावली मनाई जाने लगी है। लेकिन उसके अगले रोज अन्नकूट महान उत्सव मनाया गया, जिसमें 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाया गया। वहीं ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला और ग्रामीणों का कहना है कि हर साल की भांति इस साल भी अन्नकूट मनाया गया, जिससे हम लोग काफी उत्साहित हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, और ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए HPN न्यूज। कि 12 वर्ष जे राम जी वन में रहलखिन तो काल के डेट में अयोध्या जी एलखिन, अयोध्या जी एलखिन तो हुनके उपलक्ष्य में दीप जला के काल दीपावली हम हुनकर मनेलिए। आज हुनके 12 वर्ष में जो फल फूल केलखिन आज हुनका 56 व्यंजन बना हुनका भोग लगेलिए। की कहल जाइ छै, अन्नकूट कहल जाइ छै। अन्नकूट में 56 प्रकार के भोग लागले हैं, की सब लागले हैं ओकर कुछ जानकारी? जानकारी है परसा भात दाल जितने सब्जी है हरा सब्जी कढ़ी बड़ी दही चूड़ा किशमिश छोहरा मिठाई के आइटम में 60 आइटम बनाकर मिठाई अर्पण के लिए। की नाम भले अपने के? गोपाल दास। Thank you.